हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हिप्पा। हिप्पा के बारे में फ्रेशर थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर हिप्पा के बारे में जानते ज़रूर होंगे। लेकिन फिर भी एक बार आप क्या कर लीजिए, रिविज़न कर लीजिए, राइट। तो देखिए हिप्पा क्या है कि सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। एच फॉर हेल्थ, आई फॉर इंश्योरेंस, पी फॉर पोर्टेबिलिटी, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, ए फॉर एक्ट, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ फेडरल रेगुलेशन इन विच हेल्थ केयर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी लॉ इज एस्टैब्लिश फॉर इफिशियंसी, राइट। अब देखिए ये जो फुल फॉर्म है इसमें उसका मीनिंग छुपा हुआ है, डेफिनेशन छुपी हुई है। हेल्थ, हेल्थ यानी हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस क्या करती है, पैसे देती है प्रोवाइडर को यानी डॉक्टर को, ठीक है। तो और वो इंश्योरेंस किसकी होती है, पेशेंट की होती है, राइट। तो पेशेंट का जो लेखा जोखा है, जब वो डॉक्टर के पास से सर्विस लेता है, तो उसका लिखा जोखा यानी अकाउंटेबिलिटी, एक्ट यानी एक प्रकार का एक्ट, एक्टिंग करना है, एक्ट कि ये इसकी लेखा जोखा है। पोर्टेबिलिटी यानी क्या होता है कि हम उस लेखे जोखे को, उस बिल को हम कहीं पे भी मूव करें, इजीली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऐसा इजीएस्ट वे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हिप्पा, पोर्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, एक्ट, एक्ट यानी एक रूल्स और रेगुलेशन का दायरा। तो देखिए इसमें क्या है, हिप्पा यानी यूएस में जो यूएस की सरकार है, इन्होंने ऐसा एक क्या बनाया, रेगुलेशन बनाया। रेगुलेशन यानी क्या होता है, रेगुलेशन का मीनिंग क्या है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना बाय रूल से, ठीक है, एक रूल करके, ठीक है। तो इन्होंने किसको कंट्रोल किया है, हेल्थ केयर को, यानी इंश्योरेंस जो पैसे देती है प्रोवाइडर को, वो कैसा रहना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो प्राइवेसी होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन के लिए, उसके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए एक लॉ बनाया है, ठीक है, हिप्पा के नाम से, कि आप कहीं पे भी इसको मूव करो, कहीं पे भी इस बिलिंग को मूव करो, लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस रेगुलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं ये लॉ, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को जो है एस्टेब्लिश करता है ये हिप्पा लॉ, ठीक है। और ये इससे क्या होगा, जैसे प्राइवेसी होंगी, सिक्योरिटी होंगी लॉ की, वो अगर बढ़ेंगे तो इफिशियंसी जो है वो सही रहेंगी, यानी जो लिखा जोखा है उसमें कहीं पे मिसयूज नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं होगा, राइट, कोई करप्शन नहीं होगा, वो एक्यूरेसी में रहेगा, यानी एक्यूरेसी यानी एफिशिएंसी में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यूएस की सरकार ने ये रूल बनाया है हिप्पा। हिप्पा जब भी आता है आप समझ जाइए कि हिप्पा जब भी आता है यानी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात आती है, सिंपल, राइट। और हिप्पा को किसी ने डरना नहीं है। हिप्पा अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज हिप्पा, तो सबसे पहले एच यानी हेल्थ, आई एन इंश्योरेंस, पी एन ए पोर्टेबिलिटी, ए एन ए अकाउंटेबिलिटी, ए एन ए एक्ट। और दूसरी बात, अगर शॉर्ट में बताना है किसी इंटरव्यूअर अगर आप है तो किसी को, तो शॉर्ट में बताने के लिए ये बोल दीजिए कि ये एक यूएस में हेल्थ के रिगार्डिंग उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए लॉ बनाया गया हिप्पा, जो इफिशियंट रखता है अकाउंट को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा दुविधा जा रही है मेडिकल बिलिंग के, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।